हाय फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आज मैं आपको डोर मैट कैसे स्टिच करते हैं, जो हमारे घर पे वेस्ट क्लॉथ रहते हैं और वेस्ट चुन्नी और वेस्ट जीन्स, उसके हिसाब से और उसके साथ हम ये स्टिच करेंगे। और मेरे पास ये जो जीन्स था उसे दो टुकड़े थे, उसको मैंने जॉइन करके मुझे जो मेज़रमेंट चाहिए थे मैं उसी तरह से कट किया है। उसकी लंबाई यानी कि चौड़ाई और लंबाई ये 17 है और चौड़ाई आ रही है 12 17.5 और ये 12 इंच है, 17.5 है और चौड़ाई आ रही है 12 इंच। और इसके ये जीन्स का कपड़ा है, हमें जीन्स का कपड़ा रखने से थोड़ा खसकता नहीं है और थोड़ा स्टिफ रहता है, इसलिए मैंने ये लिया है। और ये मेरी चुन्नी है और ये इसे उल्टा रखूँगी, उसके ऊपर ये चुन्नी रखूँगी। और कुर्ती थी मेरे पास जो कॉटन की, उसे मैंने कट कर लिया है, उसको मैं मेन क्लॉथ ऊपर यूज़ करूँगी, जो मेन क्लॉथ है उसके ऊपर उसके साथ यूज़ करूँगी। जो ये क्लॉथ है मेरा, ये मेन क्लॉथ है, ऊपर का कपड़ा है और ये ऊपर और ये टुकड़ा है, ये इसे हम नीचे रखेंगे। मैं आपको इसके अंदर छोटे से दो टिप दिखाऊंगी जो आपको थोड़ा यूज़फुल होगा। हम इसे इस तरह रख के स्टिच करना है। आप इसे इस तरह से लंबाई में भी पहले स्टिच कर सकते हैं और इस तरह से कर सकते हैं या दोनों मिला के कर सकते हैं। इससे करने से थोड़ा फ़ायदा रहता है, मूव नहीं होता है अंदर का कपड़ा और ज़्यादा दिन टिकता है। और ये क्लॉथ हम लेते हैं 3 इंच का है, आप थोड़ा बड़ा चाहिए तो ले सकते हैं। मैं ये क्लॉथ पाइपिंग के लिए मैंने लिया है, जो चारों ओर पाइपिंग करेंगे तो थोड़ा अच्छा दिखेगा, सो आपको पतला चाहिए तो कर सकते हैं। ये जीन्स के साथ जो मेरा ये टिप है मैं आपको दिखाने वाली थी, मैंने कहा था ना, इससे मैंने दोनों साइड जोड़ लिया है। जो हम मेन क्लॉथ जब हम जॉइंट करेंगे तब हमें थोड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा, मूव नहीं होगा, स्टिच करते वक्त थोड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये मेन क्लॉथ है और नीचे भी हम मेन क्लॉथ रख देंगे और हम पहले लंबाई में स्टिच करेंगे, बाद में चारों ओर करेंगे। मैंने ज़्यादा तक देखा है सब जन पहले चारों ओर स्टिच कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना है फ्रेंड्स। पहले हमें लंबाई में स्टिच कर लेना है जो क्लॉथ, इस तरह से करने से क्लॉथ ज़्यादा दिन रहता है और अंदर का कपड़ा मूव नहीं होता है जब हम पाँव पर पहुँचते हैं या जो भी जिसके लिए भी हम यूज़ करते हैं, थोड़ा अच्छा रहता है। अगर हम स्टिच नहीं करेंगे तो ज़्यादा दिन ये क्लॉथ टिकेगा भी नहीं और फ़ायदा नहीं है। इस तरह से हमें स्टिच कर लेना। ये इसकी दूरी कितनी रहनी चाहिए, यानी कि 3 इंच 4 इंच, आपको जो सही लगे वो 3 इंच सही है, 2.5 इंच भी सही है, उससे ज़्यादा नहीं। इसी तरह से लंबाई में हम स्टिच कर लेंगे। ओके, मेरा ये कंप्लीट हो गया है। मैंने इस तरह से लंबाई में जितना हो सके उतना 4 4 इंच का गैप दे के मैंने स्टिच कर लिया है, 3 3 इंच का। और जो एक्स्ट्रा क्लॉथ है आजू बाजू में जो रहता है उसे मैंने चारों ओर पहले वेस्ट क्लॉथ को अच्छी तरह से कट कर लिया है। और ये पाइपिंग का क्लॉथ है, मैं इसे जोड़ते चले जाऊंगी, कॉर्नर में जोड़ते चले जाऊंगी। पहले हमें उससे चारों ओर जो वेस्ट क्लॉथ रहता है उसे कट करना है, बाद में ये जोड़ते चले जाना है। जब हम लंबाई में स्टिच करते हैं फ्रेंड्स, तब हमें वेस्ट थोड़ा आगे पीछे होता है, तो स्टिच लंबाई में पूरा स्टिच करने के बाद हमें कट कर लेना है। और यहाँ पे कॉर्नर में आने के बाद मैं आपको यहाँ छोटा सा एक टिप दिखाती हूँ। देखिए, आपको इस तरह से फोल्ड करके भी इसे हम इस तरह से भी हम स्टिच कर सकते हैं, लेकिन एक एक बार क्या होता है कॉर्नर अच्छे से आता नहीं है, जो न्यू है उन लोग को थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो मैं आपको फास्ट और ईजी हो जाने के लिए देखिए दिखा रही हूँ। इसे इस तरह से लास्ट तक स्टिच कर लीजिए, बाद में इस तरह से इसे फोल्ड कर लीजिए। देखिए कितने अच्छे से आराम से हो रहा है, और जब हम पाइपिंग करेंगे तब अच्छे से आएगा, नो प्रॉब्लम होगा। और इसे भी इसी तरह से लंबाई में स्टिच कर लेना है। सॉरी, थोड़ा कैमरा मूव हो गया है। इसी तरह हमें चारों ओर स्टिच करना है फ्रेंड।
इसमें लास्ट में थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, लास्ट में मैंने क्या किया है, जो एंडिंग में आएगा उसे मैंने, जो गोल्ड क्लॉथ मैंने पाइपिंग के लिए यूज़ किया है उसे मैंने क्या किया है, आप थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए। मैं वीडियो थोड़ा फास्ट कर रही हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे एंड कर लिया है, यहाँ पे मैंने ख़त्म, यहाँ पे पूरा एंड कर लिया है। बाद में इसे इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ। इससे क्या होता है, फास्ट होता है और अच्छी तरह से जो हमें कॉर्नर में जो पाइपिंग आती है वो अच्छी तरह से आती है। आपको पाइपिंग अगर पतली चाहिए तो आप थोड़ा, मैंने 3 इंच लिया है, आप इसे हाफ इंच पे भी यूज़ कर सकते हैं। आपकी चौड़ाई आपकी पाइपिंग के हिसाब से आपको जितना चाहिए आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 3 इंच ही लेना है, आपकी मर्ज़ी। अब हम लास्ट में आ गए हैं फ्रेंड। देखिए मैंने क्या किया, जो लास्ट का क्लॉथ है पाइपिंग का मैंने जोड़ा है, उसे मैं ओपन करके बाद में ये जो जोड़ रही हूँ उसे क्लॉथ उसके ऊपर जोड़ रही हूँ। सो आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए, ये एंडिंग में ये छोटा सा टिप है जो आपको यूज़ होगा। देखिए मैं इसे ओपन कर लिया, उसके ऊपर से मैं स्टिच कर रही हूँ, उसको ऊपर से मैंने ये जॉइंट करते हुए लंबाई में इस तरह से स्टिच कर लिया है। और जो ये वेस्ट है उसे हम कट कर लेंगे, दोनों साइड का वेस्ट क्लॉथ हम कट कर लेंगे। देखिए कितना अच्छे से हो गया है। अब इसे हम उल्टा कर लेंगे और हम पाइपिंग मोटा कितना चाहिए अपने हाथ में है, जितना आपको करना है आप कर सकते हैं। मैं मुझे थोड़ा मोटा चाहिए, क्यों थोड़ा अच्छा दिखेगा जो कलर कॉम्बिनेशन है, इसलिए मैं मोटा कर रही हूँ। आप पतला भी कर सकते हैं, योर चॉइस। अब हम कॉर्नर में स्टिच करते चले जाएंगे। इसी तरह हमें चारों ओर स्टिच करना है। यहाँ पे कॉर्नर में ऑटोमेटिक हो जाता है फोल्डिंग। अगर आप पाइपिंग के वक्त अच्छी तरह से फोल्ड नहीं करेंगे तो तुमको यहाँ पे फोल्ड करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। आपको कुछ डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए और मैं बहुत अच्छे अच्छे आगे वीडियो डालने वाली हूँ। साड़ी से जो हमारे घर पे साड़ी, बहुत सारी साड़ी वेस्ट रहती है, चुनिया वेस्ट रहती है, उसे यूज़ करके हम डोरमेट कैसे यूज़ करते हैं वो भी दिखाने वाली हूँ। सो प्लीज़ मेरा वीडियो सब्सक्राइब कीजिए और बेल का इनको क्लिक कीजिए जो अपडेट नया आता रहेगा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर आपको और कुछ नया चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं और अच्छे वीडियोस बनाऊंगी। ओके फ्रेंड्स, कंप्लीट हो गया अपना डोरमैट। देखिए कितनी अच्छी तरह से दिख रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।